गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और आपको हमने बताया है जो हमारी वीडियो प्राप्त होंगी वो हमारा जो चैनल है वेब स्टडी पॉइंट उसके माध्यम से प्राप्त होगी। तो हम कर क्या रहे हैं फिजिक्स में, हम कर रहे हैं सतत आवेश वितरण, जो हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश का वितरण एक समान रूप से हो तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। हमारा कोई पृष्ठ है, कोई वस्तु है जिस पर हमारा आवेश पहुंच रहा है और वो वस्तु या पृष्ठ पर आवेश जो सतत पहुंच रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण। तथा उन आवेशों के मध्य दूरी अति अल्प सूक्ष्म हो तो आवेश का वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। तो अब इसमें आगे देखते हैं तो सतत आवेश वितरण कहलाता है। दी गई वस्तु जो वस्तु है इसमें जिस पर आवेश जा रहा है, वस्तु के आकार के अनुसार आवेशों का सतत वितरण एक विमीय वन डायमेंशनल, द्विविमीय टू डायमेंशनल और इसके बाद आता है थ्री डायमेंशनल हो सकता है जिन्हें क्रम से इसका अभी तक क्या करते हैं, इसका जो स्क्रीनशॉट आप लीजिए उसके बाद हम आगे करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल हो सकता है जिन्हें क्रम से रेखीय आवेश वितरण, यह होता लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेखीय आवेश वितरण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड होता हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जो हमारा थर्ड होता वो हमारे जो हम थर्ड को क्या कहते हैं, जो त्रिविमीय है थ्री डायमेंशनल को उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके समझ में आ गया होगा जो हमारा जिस वस्तु पर आवेश या फिर किसी पृष्ठ पर आवेश जा रहा है और वो सतत रूप से जा रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक विमीय वन डायमेंशनल, द्विविमीय टू डायमेंशनल, त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल, या हम इन्हें हम एक रूप से और कह सकते हैं रेखीय आवेश वितरण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हें हम कहते हैं। इसे भी मैं रेज कर देता हूँ। हम इसमें आगे क्या करेंगे तो हमारा आगे आएगा जो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला है रेखीय आवेश वितरण। तो ठीक है, हम नेक्स्ट ये करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट था रेखीय आवेश वितरण, यह होता लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये होगा हमारा फर्स्ट। हम इसमें इसमें करेंगे जो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक बात और मैं बता दूं, ये हमारा कोई वस्तु है, हमारी कोई पृष्ठ है, इस पर हम इसे हम आवेश दे रहे हैं, तो आवेश हमारा ऐसा पहुंच रहा है, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से पहुंचा, यहाँ पहुंचा और यहाँ पहुंचा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा आवेश है वो सतत नहीं जा रहा, यहाँ पर आवेश क्या हुआ, असतत है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेखीय आवेश वितरण। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण, जब किसी वस्तु पर या पृष्ठ पर, वस्तु हो या पृष्ठ हो, पर आवेश का वितरण एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से हो तो इसे, जब किसी पृष्ठ पर या वस्तु पर हमारा जो आवेश जा रहा है और आवेश वो एक सरल रेखा के रूप में जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो हम सेकंड कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट कर रहे थे रेखीय आवेश वितरण। तो हमने इसमें करा, इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर, आवेश वितरण जो हमारा रेखीय आवेश वितरण है की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, हमें रेखीय आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा, हमारा एक है रेखीय आवेश वितरण, जो हमारा किसी वस्तु पर किसी पृष्ठ पर आवेश पहुंच रहा है, एक रेखा के रूप में जा रहा है, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर जिस पर हमारा आवेश जा रहा है, और आवेश किस वैल्यू से जा रहा है या मात्रा में जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित या डिनोट करते हैं, इसे कैसे करते हैं, जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि जो रेखीय आवेश घनत्व जो प्रति एकांक लंबाई है रेखीय आवेश वितरण की, रेखीय आवेश वितरण की सूक्ष्म लंबाई डीएल हो तथा उस पर आवेश की मात्रा डी क्यू हो, तब क्या आ जाएगा, यदि रेखा जो रेखीय आवेश वितरण की जो सूक्ष्म लंबाई डीएल हो तथा उस पर आवेश की मात्रा क्या हो डी क्यू, यह है हमारा डी स्मॉल क्यू, स्मॉल डी है और स्मॉल क्यू है हो, तब हम क्या देखेंगे, जो हमारा लैम्डा बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी एल। तो हमारा ये क्या आया था, जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व क्या आ गया, ये हमारा है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इजक्ल टू डी क्यू अपॉन डी एल, रेखीय आवेश घनत्व हमारा ये लैम्डा। इसका मात्रक देखेंगे क्या आएगा, इसका मात्रक
इसका मात्रक बराबर आ जाएगा, ये हमारा क्या है क्यू आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, कूलाम, ये हमारा क्या एल लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। हमने देखा जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व है तो उसका जो फॉर्मूला क्या आएगा लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू कॉन डी एल, और मात्रा क्या आएगा कूलाम प्रति मीटर, हमारा फर्स्ट हो जाता है यहाँ पे। हम सेकंड करते हैं तो हमने अभी फर्स्ट करा जो हमारा सतत आवेश वितरण का जो फर्स्ट था रेखीय आवेश आवेश वितरण वो करा, सेकंड आता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। इसमें लिखते हैं जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण, जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो रहा है, एक समान रूप से हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब पृष्ठीय आवेश सरल रेखा के रूप में होता है तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, और जब हमारा आवेश किस पृष्ठ पर जा रहा है एक समान रूप से जा रहा है उसे क्या कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण के एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय आवेश वितरण के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, जो आवेश पृष्ठ पर पहुंच रहा है तो आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे हम सिग्मा से दिखाते हैं, ये हमारा सिग्मा है तो इसे क्या है ये क्या है सिग्मा। चलो आगे लिखेंगे, इससे आगे आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा सिग्मा होता है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कोई पृष्ठ है उस पर आवेश पहुंच रहा है और आवेश किस मात्रा में पहुंच रहा है उसे क्या कहेंगे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि पृष्ठीय आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश का आवेश वितरण का एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमारा क्षेत्रफल है पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमारा सूक्ष्म होता है सूक्ष्म डी ए हो तो तथा उस पर सूक्ष्म आवेश डी क्यू हो तब क्या हो जाएगा जो हमारा आएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या जाएगा, ये हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व जो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा तो हम करते क्या हैं
इसे हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर इसे वीडियो को पोस्ट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। सेकंड हमारा क्या चल रहा था? पृष्ठावेश घनत्व, पृष्ठावेश घनत्व चल रहा है हमारा सेकंड। तो इसमें क्या है, यदि पृष्ठावेश वितरण एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल या सूक्ष्म है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है डीए है डीओ हो तथा उस पर सूक्ष्म आवेश डी क्यू हो, तब तब क्या आएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे कैसे पेश करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा? डी क्यू अपॉन डी ए यह आ जाएगा। तो सिग्मा बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी ए। इसका मात्रा क्या आ जाएगा? इसका मात्रक बराबर आ जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यों है, आवेश। आवेश का मतलब होता है कूलाम। तो आवेश का मतलब कूलाम होता, और नीचे हमारा क्या है, ये ए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर, मीटर का वर्ग। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। तो हमारा सेकंड यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद हमारा क्या आता है? थर्ड। तो थर्ड हमारा क्या आएगा? हमारा फर्स्ट था रेखीय आवेश वितरण, सेकंड था पृष्ठीय आवेश वितरण। अभी तक दो करे, पहला फर्स्ट करा था रेखीय आवेश वितरण, सेकंड करा था पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा आता है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारे ये थर्ड हुआ। तो इसमें लिखेंगे, जब किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप में पहुंचता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब हम इसमें लिखेंगे, यदि किसी वस्तु के एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, किसी वस्तु के एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा रो है, रो होता हमारा ये। तो रो से प्रदर्शित करते हैं, यदि यदि एकांक आयतन सूक्ष्म आयतन यदि एकांक सूक्ष्म आयतन डीवी हो तथा उस पर सूक्ष्म आवेश डी क्यू हो, तब यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसे आगे करते हैं। तो तब
तो तब क्या होगा, तब आयतन आवेश घनत्व, किससे प्रेरित करते हैं हम आयतन आवेश घनत्व को, रो से। तो आवेश आवेश आयतन आवेश घनत्व आ जाएगा रो इजकल टू डी क्यू अपॉन डी वी, डी क्यू अपॉन डी वी आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म आयतन है उस पर हमारा सूक्ष्म आवेश है, ये वाला सूक्ष्म आयतन पर सूक्ष्म आवेश है, रो बराबर हमारी आ गया। हम इसके बारे में लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होता, जो आयतन आवेश घनत्व है इसका मात्रक बराबर होता है, ये क्या हमारा आवेश, आवेश का मात्रक कूलम होता, और ये क्या हमारा आयतन V, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है हमारा आयतन। तो आयतन क्या होता, मीटर की घात 3, ये हमारा हो जाता, ठीक है। तो हमारे जो तीनों वितरण नियम है, वितरण जो आवेशों का वितरण है हमारा तीनों हो जाता है, थर्ड तीनों हो गए, पहला था रेखीय आवेश वितरण, दूसरा था पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा था आयतन आवेश वितरण, तो तीनों हमारे हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम इनके कारण, जो रेखीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण, हम बल ज्ञात करेंगे, ठीक है, करते हैं आगे, फिर बल ज्ञात करेंगे। तो हमें अभी सतत वितरण आवेश देखा, अब इसके बाद आता सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत बल, तो इसमें आगे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट है हमारा रेखीय आवेश वितरण, तो हम फर्स्ट में क्या देखेंगे, रेखीय आवेश वितरण के कारण हम बल विद्युत बल देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें या तो एक सीधी रेखा होगी, या फिर एक सीधा तार होगा, या सीधा कोई मतलब वस्तु है, कोई हम मतलब तार के टाइप की हम इसमें लेंगे, जिस पर हमारा सूक्ष्म आवेश कितना है डी क्यू है, और सूक्ष्म लंबाई उसकी कितनी है डी एल, डी एल है, और जो ये हम उस पर हमारे चार्ज हैं, ये पॉजिटिव प्लस 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 प्लस, ये हमारे तार पर चार्ज हैं, और ये हमारा जो सूक्ष्म आवेश है डी क्यू, ये हमारा पॉइंट ए पर रखा है, और हमारा जो आवेश है स्मॉल क्यू, ये हमारा पॉइंट बी पर रखा है, और आर आर वेक्टर जो है हमारा ओ ए पर सदिश स्थिर सदिश है, और आर वन वेक्टर, आर वन वेक्टर क्या है ओ बी पर स्थिर सदिश है, ओ बी का, ओ बी का स्थिति सदिश क्या है आर वन वेक्टर, और ओ ए का स्थिति सदिश क्या है आर वेक्टर, और हमारे ये तीन अक्ष हो गई, ये मूल बिंदु ओ है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये हमारे हो जाते हैं। इसमें देखते हैं हम, तो रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर विद्युत बल, हम फर्स्ट देख रहे हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण, क्योंकि हमारा यही था फर्स्ट आवेश रेखीय आवेश वितरण, तो सबसे पहले हम इसके अनुसार देखेंगे। तो रेखीय आवेश वितरण के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, माना एक पतला तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। हम डेफिनेशन देख चुके हैं रेखीय आवेश वितरण की, तो उससे आपके समझ में आ चुका होगा कि जो हमारा वस्तु पर जो आवेश वितरण हो रहा है कैसा हो रहा है, हमारी वस्तु कैसी है, और जो वस्तु पर आवेश वितरण हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है। तो जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है लैम्डा है, लैम्डा भी हमारा उसमें रेखीय आवेश घनत्व में हमने बताया था लैम्डा है उसका। आगे करते हैं, तो हम रेखीय आवेश वितरण के कारण हम बल ज्ञात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं जो हमारा पॉइंट वी है इस पर आवेश हमारा क्यों है, जिस पर हमें क्या करना है, और जो ओ बी है जो हमारा पॉइंट बी है इसका जो स्थिति सदिश क्या है हमारा आर वन वेक्टर है, और हमें जो क्यों है आवेश क्यों इस पर ही हमें विद्युत बल ज्ञात करना है बिंदु इसे डी क्यू के कारण। तो इसमें करते हैं हम आगे, तार के बिंदु ए पर अनंत सूक्ष्म लंबाई के अवयव डी एल पर आवेश डी क्यू है, ये हमें पता ही है चित्र से हमें देख रहे हैं, जो अनंत सूक्ष्म लंबाई है हमारी डी एल उस पर अनंत सूक्ष्म आवेश है डी क्यू है, तथा इसी सदिश आर वेक्टर है, और जो इसका ओ ए का जो स्थिति सदिश क्या है आर वेक्टर है। इस रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु बी, जो हमारा बिंदु बी है जिसका स्थिति सदिश आर वन वेक्टर है पर स्थित बिंदु आवेश क्यू पर विद्युत बल हमें ज्ञात करना है, ये वाला इसमें हमें विद्युत बल ज्ञात करना हमें पता है ओ ए, ये वाला ओ ये यहाँ पर ए है, ये वाला ए यहाँ पर है पॉइंट, और बी हमारा यहाँ पर है, और हम देख रहे हैं ओ ए बराबर क्या हो गया आर वन वेक्टर जो स्थिति सदिश है, तो ओ ए बराबर क्या आ गया आर वन वैक्टर, ओ बी बराबर क्या आ जाएगा आर वन वैक्टर, ओ ए बराबर क्या आ गया आर वैक्टर, और ओ बी बराबर क्या आ गया आर वन वैक्टर। अब हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे,
हमारे पास में ओ ए बी है और ओ बी ए ओ बी है, हम निकालना है ए बी, हमें ए बी निकालना है। तो हम जब ए बी निकालेंगे तो क्या होएगा, ए बी वैक्टर बराबर आ जाएगा ओ बी वैक्टर प्लस माइनस ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ये आ जाएगा। तो हमें पता है जब हम ए बी वैक्टर निकाल रहे हैं तो ओ बी वैक्टर आया हमारा पहले, ओ बी वैक्टर इसमें से हमारा ओ ए वैक्टर घट रहा है, तो हमारा ओ बी वैक्टर जो है, ओ बी वैक्टर हमारा क्या है, आर वन वैक्टर, और ओ ए वैक्टर क्या है, आर वैक्टर। तो क्या जाएगा हमारा, ए बी वैक्टर क्या जाएगा, आर वन वैक्टर माइनस का आर वैक्टर, ये रहा हमारा, यहाँ पर ये आ जाता है, ये आ जाएगा। अतः बिंदु ए पर स्थित सूक्ष्म आवेश, बिंदु हमारा ए पर सूक्ष्म आवेश यह है डी क्यू के कारण बिंदु आवेश क्यू पर विद्युत बल हमें ज्ञात करना, ये बिंदु आवेश जो सूक्ष्म आवेश है डी क्यू, इसके कारण हमें आवेश क्यू पर विद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम अब इसमें आगे करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, जो हमारा अंत सूक्ष्म आवेश है डी क्यू, डी क्यू के कारण हमारा आवेश क्यू है पॉइंट वी पर, इस पर हमें हमें विद्युत बल ज्ञात करना। तो हम हमारा जो बल है दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता, तो इसी फॉर्मूले हम जो वैल्यू पुट करेंगे, तो डी एफ इस सूक्ष्म हमें, क्योंकि हमें सूक्ष्म डी एल है जो हमारी अनंत सूक्ष्म लंबाई है और अनंत सूक्ष्म ही आवेश है, इस पर हम इसके कारण इनके कारण हम बल ज्ञात कर रहे हैं। तो डी एफ जो हमारा बल आएगा वो भी सूक्ष्म आएगा, तो डी एफ वैक्टर बराबर 1/4π0 क्यू वन क्यू क्यू और डी क्यू, क्योंकि हमारा जो पहला आवेश है क्यों है ये वाला, और सेकंड क्या हो जाएगा डी क्यू, सेकंड डी क्यू है, बटे में हमारा जो जहाँ पर आ रहा था हमारा आर स्क्वायर आता, वहाँ पर हमारा आएगा आर वन वैक्टर माइनस का आर वैक्टर मोड थ्री, आर वन वैक्टर माइनस आर वैक्टर, ये हमारा कोष्टक बंद हो जाएगा। हमें बताया जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है हमारा डी क्यू बाई डी एल, ये होता। अब इससे क्या करेंगे हम, डी क्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा ये आ जाता है हमारा लैम्डा डी एल, इस वाली ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं डी क्यू की जगह, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा ऐसी रहेगा। अतः संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश क्यू पर कार्तीय विद्युत बल हम ज्ञात करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एफ वेक्टर क्यू अपॉन 4π0 इंट्रीगल एल लैम्डा आर वन वैक्टर माइनस का आर वैक्टर अपॉन आर वन वैक्टर माइनस का आर वैक्टर मोड थ्री डी एल, ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा किसके कारण आया, संपूर्ण जो हमारा इस पर बिंदु आवेश है उसके कारण आया, तो हमारा बल आ जाता है, ये हमारा बल आ जाता है एक रेखीय वितरण आवेश के कारण, उसके कारण आ जाता। इसके बाद हम सेकंड करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बल। ठीक है जी, हमने करा क्या, हमने अभी रेखीय आवेश वितरण के कारण बल हमें ज्ञात करा। अब सेकंड आता पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बल, तो हम देख चुके हैं फर्स्ट में हमने देख चुके थे ओ ए बराबर आर वैक्टर जो हमारी स्थिति सदिश है, ओ बी बराबर आर उन वैक्टर सदिश है, और हमारा जो आवेश क्यू है पॉइंट बी पर, और पॉइंट ए पर क्या है हमारा आवेश क्या है डी, यहाँ पर डी क्यू है, और सूक्ष्म जो क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर क्या है डी ए, सूक्ष्म क्षेत्रफल जिस पर हमें जो हमारा पृष्ठ है जिस पर हमें आवेश डाल रहे हैं वस्तु के पृष्ठ पर, तो हमने उस पर ही जो बिंदु बी पर जो हमारा आवेश क्यों है इस पर हमें विद्युत बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट में बात कर चुके हैं जो रेखीय आवेश वितरण था उसमें जो ओ ए वैक्टर बराबर आर वैक्टर ओ बी बराबर आर वन वैक्टर, तो हमें ए बी निकाला था, ए बी आया था ए बी बराबर ए बी वैक्टर बराबर आ जाएगा ओ बी वैक्टर माइनस का ओ ए वैक्टर, तो यह आया था आर वन वैक्टर क्योंकि स्थिति सदिश है ओ बी का, और ओ ए का स्थिति सदिश क्या है आर वैक्टर, तो आर वैक्टर आर वन वैक्टर माइनस का आर वैक्टर, तो ये हमने फर्स्ट में बात कर चुके हैं, तो हमें यही बात नहीं करनी है यहाँ पर अब इस बार। तो इसमें अब आगे चलते क्या हैं, अतः बिंदु ए द्वारा घिरे सूक्ष्म आवेश डी क्यू, ये हमारा बिंदु ए है इस पॉइंट पर, पहले हम फर्स्ट में देख चुके हैं इस पर हमारा एक आवेश डी क्यू है, ये रहा सूक्ष्म आवेश के कारण बिंदु आवेश क्यू पर विद्युत बल क्यों, ये हमारा ये है इस पर हमें विद्युत बल ज्ञात करना, तो सूक्ष्म बल आएगा ये भी, तो डी एफ वैक्टर बराबर आ जाएगा 1/4π0 क्यू वन क्यू डी क्यू, क्यू वन की जगह क्यू हमारा आएगा ये रहा, और क्यू टू की जगह हमारा आएगा डी क्यू, और क्योंकि हमारा यही दोनों क्यू वन क्यू टू आवेश हैं, और आर वन वैक्टर ये हमारा स्थिति सदिश है ओ बी का, आर वैक्टर ओ ए का सदिश की घात थ्री, और आर वन वैक्टर माइनस का आर वैक्टर, ये हमारा आ जाता है। फिर इसके बाद आता है, हम जानते हैं जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी ए। अब यहाँ से हम
डी क्यू का मान निकालते हैं तो ये आएगा सिग्मा डी ए। जो हमारा डी क्यू आया, डी क्यू वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, एफ बराबर ये आ जाएगा, डी एफ बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू सिग्मा डी ए बटे आर वन वैक्टर माइनस का आर वैक्टर की 3 आर वन वैक्टर और आर वैक्टर, ये आ गया। या फिर इससे आगे चलते हैं, ये कितना आ जाएगा, तो इसमें टोटल बल के बल कितना आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ पर बल बराबर आ जाएगा एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रल, क्योंकि हम इसमें क्या है हमारा, इसमें हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं हम इसमें, तो हमारा क्षेत्रफल क्या सरफेस होता है संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ पर आएगा एस इंटीग्रल, और हमारा यहाँ पर क्या था क्यों को हम भर लेते हैं डी, ये क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा सिग्मा डी ए अपॉन आर वन वैक्टर माइनस का आर वैक्टर मोड 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी ए, ये हमारा आ जाता है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। तो हमारे संपूर्ण पृष्ठ पर जो हमारा बल है डी इस सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण और आवेश क्यू पर जो बल है हमारा वो ही आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम जो थर्ड है हम थर्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले दो करे, रेखीय आवेश वितरण के कारण बल और पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बल, तो अब थर्ड आता है आयतन आवेश वितरण के कारण बल। तो थर्ड में क्या है, थर्ड में सब वही है जो मैं फर्स्ट में करा था और सेकंड में करा था, ओ बी ओ ए बराबर आर वन वैक्टर है, वो आर वैक्टर है, इस तरीके से ओ बी बराबर आर वन वैक्टर है और यहाँ पर बिंदु वी पर क्यों है आवेश और बिंदु ए पर डी क्यों आवेश है अनंत सूक्ष्म आवेश, तो हमें अनंत सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण बिंदु वी पर स्थित आवेश क्यू पर हमें विद्युत बल ज्ञात करना है। तो मैंने ये सब इसमें भी नहीं लिखा है, इसमें मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आया हूँ। अतः बिंदु ए द्वारा घिरे सूक्ष्म आवेश डी क्यू, बिंदु ए द्वारा घिरे अनंत सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण आवेश क्यू पर विद्युत बल हमें ज्ञात करना है, कार्तीय विद्युत बल ज्ञात करना है। तो यह होता है स्मॉल डी एफ बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी क्यू अपॉन आर वन वैक्टर माइनस का आर वैक्टर मोड 3 आर वन वैक्टर माइनस का आर वैक्टर, यह होगा। हमें पता है जो हमारा आयतन है, आयतन में हमारा क्या आया था, उसमें आया था हमारा रो बराबर आ जाएगा तो डी वी आ जाएगा इसकी जगह हमारा, तो रो डी वी ये आ जाएगा, तो हम इसे यहाँ डी क्यू की वैल्यू पुट यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो संपूर्ण हमारा आयतन है संपूर्ण, अतः संपूर्ण आयतन के आवेश वितरण के कारण बल यह जाएगा एफ वेक्टर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों हमारा ये है इसे भले लेंगे, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल वी वॉल्यूम रो आर वन वेक्टर माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर वन वेक्टर माइनस आर वेक्टर मोड 3 डी वी, ये हमारा आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे तीनों हो जाते हैं, रेखीय आवेश वितरण के कारण बल और पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बल और आयतन आवेश वितरण के कारण बल, तो तीनों हमारे आवेश वितरण के कारण बल हो जाते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक देखते रहिए, बनी रहिए हमारे वेब स्टडी पॉइंट चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।